दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स क्लब। तो दोस्तों शक्तिपुत्र का डाइजेस्ट 1 आ गया हमारे पास में। चलिए जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं, इसके बाद मुझे सीई का भी रिव्यू वीडियो बनाना है, तो जल्दी से इसको फिनिश करेंगे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये जो लैमिनेटेड कवर है बहुत ही शानदार बनाया है इन्होंने, और ग्लिटर कवर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शानदार है और स्ट्रांग है, ये काफ़ी स्ट्रांग है, और ये ग्लॉसी वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, तो आप देख पा रहे होंगे शाइनिंग आ रही होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, कवर बहुत शानदार बनाया है। मूल्य है 1500 रुपीज़, जो कि ऑफर में 1225 रुपये का मिल रहा था, जो अब अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको अब इसी प्राइस पे लेना पड़ेगा, 1500 रुपीज़ पे या फिर उसके ऊपर इस पे डिस्काउंट लगेगा। चलिए दोस्तों सबसे आगे बढ़ते हैं, इसकी स्पाइन दिखा देता हूँ दोस्तों। तो कॉमिक्स इंडिया ने इसकी स्पाइन को कुछ इस तरह से रखा है, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है, और पीछे हिटलर का भूत का ऐड डाला है कि इन्होंने, देखिए कितना फाइन कट है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बताना चाहूँगा ये एक 11 कॉमिक्स एडिशन है, 11 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वैसे तो टोटल 10 कॉमिक्स हैं जिसका इसमें संकलन किया गया है, बट एक कॉमिक्स जो है वो इसमें विशेषांक है, तो 32 पेजेस के हिसाब से ये टोटल 11 कॉमिक्स का संकलन हो जाता है। तो इस वजह से ये अगर ये 11 कॉमिक्स से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी भारी नहीं लग रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसको इजीली आप लेट के भी इसको हाथों में रखकर पढ़ पाएंगे, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, मतलब मेरे हिसाब से ये पढ़ा जा सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इसका साइज जो है वो नॉर्मल कॉमिक्स से लार्ज रखा गया है दोस्तों, मनीष जी वाले साइज़ के बराबर का साइज़ है ये, उससे थोड़ा छोटा है, बट मैं एक कंपैरिजन में एक कॉमिक्स रख के आपको बता भी देता हूं। दोस्तों ये मनीष जी की कॉमिक्स है, पुनरुत्थान मनीष जी द्वारा, और ये देखिए दोस्तों ये नीचे की तरफ अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शक्तिपुत्र थोड़ी सी इस तरफ बड़ी है, विड्थ में बड़ी है, और लेंथ में ये थोड़ी सी छोटी है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल माइनर सा साइज छोटा है, बट इस तरफ थोड़ी कॉमिक्स निकल रही है इस तरफ, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं अभी साइड कर देता हूँ, तो करीब करीब इसने मनीष जी वाला साइज टच कर लिया है, और ये देखने में भी दोस्तों बहुत खूबसूरत लग रही है, क्योंकि ये साइज के कंपैरिजन में ज़्यादा खिंची हुई नहीं नजर आती, एक परफेक्ट शेप में है। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा इस तरफ अंदर की तरफ, इन्होंने इस पेज को ब्लैंक ना छोड़ते हुए एक ऐड दे दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, शक्तिपुत्र संग्रह संस्करण, और इस तरफ ललित जी ने अपनी कुछ डिटेल्स दी हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यंत्र दानव का आतंक, जो कि पहली कॉमिक्स थी, वहां से इसको शुरू किया। पेपर के बारे में बताना चाहूँगा, पेपर इन्होंने ग्लॉसी रखा है, और पेपर की थिकनेस एवरेज है, और ये अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत स्मार्टली काम किया गया है इस पर, कि कॉमिक्स को ये भारी ना कर दे, तो इन्होंने इसी वजह से पेपर को उसी हिसाब से रखा है कि ज़्यादा कॉमिक्स पे लोड ना आए, कॉमिक्स हैवी ना लगे आप लोगों को। क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, प्रिंटिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है, एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई इशू इसमें नज़र नहीं आ रही है, देख सकते हैं। तो दोस्तों 32 पेज में जैसे ही ये कॉमिक्स खत्म होती है, शक्तिपुत्र का अपहरण, जो कि अगली कॉमिक्स है, उसको शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट कॉमिक्स कालभुजंग, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा दोस्तों, यहां लोहे का अजगर, और यहां पे अदृश्य मानव आ चुका है। फिर आ जाता है पाताल का दानव, देख सकते हैं दोस्तों, फिर आ जाती है मैडम ब्लैकस्टोन। कवर्स दोस्तों बीच में से हटा के पीछे की तरफ डाले गए हैं, बेहतरीन क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है,
काफ़ी बढ़िया बनाई है, देख सकते हैं दोस्तों, आकाश गंगा का बागी। और इसके बाद काल यंत्र का पुजारी आ जाती है। क्वालिटी आप लोग देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, हमारी सभी वीडियोस 4K में अवेलेबल है। बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियो को 4K में चेंज करके देख सकते हैं। समय जंजाल का यंत्र, सॉरी अंत। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेत की देवी, ये बीच में एक ड्यूल पेज का इन्होंने एक ऐड डाला है, हिटलर का भूत। और रेत की देवी वापस कंटिन्यू हो जाती है दोस्तों। पीछे की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, सभी कवर्स को दिया गया है। यंत्रदान का आतंक, शक्ति पुत्र का अपहरण, कालभुजंग, लोहे का अजगर, अदृश्य मानव, ब्लैकस्टोन, आकाश गंगा का बागी, काल यंत्र का पुजारी, समय जंजाल का अंत और रेत की देवी। बहुत ही बेहतरीन। और इस तरफ इन्होंने कुछ और ऐड किया है और हिटलर का भूत। दोस्तों ओवरऑल ये बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन में हमारे ललित जी ने हमें कॉमिक्स प्रदान की है। मैं इसको फुल रिकमेंडेशंस दूंगा, बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स है और आपके बजट में इन्होंने दी है। क्योंकि 11 कॉमिक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि 32 कॉमिक्स के हिसाब से एक विशेषांक है इसके अंदर, तो टोटल 11 हो गई। 11 कॉमिक्स आपको 1500 रुपये के रेट में मिल रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और प्री ऑर्डर में अगर आपने इसको लिया है तो ये आपको 1250 में मिली होगी। अभी तो खैर इसका प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है, तो बेहतरीन। और दोस्तों बहुत ज़्यादा हैंडी है, बताना चाहूँगा, इसको इन्होंने इसके वेट को बहुत ध्यान में रख के बनाया, बहुत स्मार्टली काम किया है कि लोगों को पढ़ने में तकलीफ ना आए। और प्रिंटिंग की क्वालिटी तो आप लोग देख ही रहे हैं। और अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये इन्होंने डिसाइड किया है कि इसको ये दो पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे, मतलब दो पार्ट्स के अंदर ये पूरी सीरीज आपको कंप्लीट मिल जाएगी शक्तिपुत्र की। दोस्तों इसी के साथ एक मैग्नेट स्टिकर भी आया है, वो मैग्नेट स्टिकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मैग्नेट स्टिकर इसके साथ में आया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, वुडन मैग्नेट है दोस्तों, काफी अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं। और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है भूतनाथ वाले मैग्नेट से, तो अगर आपके पास भूतनाथ वाला मैग्नेट है तो आप इसका साइज कंपैरिजन उसके साथ कर सकते हो। तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों ये स्टाइल में, ये पोज मुझे ना दूसरे पोज से ज्यादा अच्छा लगा है, जो पोज सी के लिए दिया गया है। मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो देख सकते हैं। इससे मुझे थोड़ा सा बेटर लगा ये डाइजेस्ट वाला, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये एक मैग्नेट स्टिकर के साथ में दोस्तों ये 1250 में प्री बुकिंग प्राइस में अवेलेबल था। खैर अभी तो इसका प्राइस बढ़ चुका है। आप अगर आपने इसको अभी तक नहीं लिया है तो ये दो डाइजेस्ट या दो सीई के अंदर जल्दी ही इसको ख़त्म कर दिया जाएगा कॉमिक्स इंडिया द्वारा। तो बहुत ही बेहतरीन मूव, बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स इन्होंने हमें दी है, तो ऑल थैंक्स टू रॉकी एंड ललित जी। अगर आपने इसको नहीं लिया है तो इमीडिएटली ले लीजिएगा दोस्तों, ये जल्दी ही मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कलेक्टेड एडिशन जो है वो ऑलरेडी मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो इसी नोट के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।